हेलो फ्रेंड्स, शिवाक्षी क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं नई डिजाइन की गोपाल जी की पोशाक। इसके लिए हमें चाहिए एक कार्ड। इस पर हम इस तरह से हार्ट ड्रॉ कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने इस तरह से इसे हार्ट शेप में काट लिया है। इसी तरह से हमने कपड़े के दो पीस ले लिए हैं और एक पीस बुकरम का इसी शेप में काट लिया है। अब हम इन्हें बीच में बुकरम रखेंगे, उसके ऊपर ये कपड़े का पीस रखेंगे और एक कपड़े का पीस नीचे रखेंगे और इसकी किनारी किनारी पर इस तरह से सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने इस तरह से हार्ट शेप में कपड़े को काट लिया है और तीनों पीसों को अटैच कर लिया है। ऊपर कपड़े का पीस है, बीच में बुकरम है और नीचे भी कपड़े का पीस है। फिर से इस तरह से फोल्ड करके और हमने बीच में कमर के लिए यहाँ कट लगा लिया है। ये हमने चोली के लिए दो पीस तैयार करके रखे हुए हैं, 2x4.5 के। इन्हें हमने गोटा लगा के तैयार कर लिया है। अब हम इन पे यहां से 1 इंच तक सिलाई लगा देंगे और फिर इसकी बाजू बना लेंगे 1-1 इंच तक सिलाई लगा के। और ये हमने फ्रिल बना के रखी हुई है बॉक्स प्लेटों से। अब हम इसे चोली को अटैच कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चोली बनकर तैयार हो गई है। ये हमारा पोशाक का घेरा है। अब हम इस पे फ्रिल लगा लेते हैं इस तरह से। ये फ्रिल है, इसकी किनारी किनारी पर इसे मशीन से या ग्लू स्टिक से किसी से भी इसे अटैच कर लेंगे। या तो फैब्रिक ग्लू से अटैच कर लीजिए आप, या फिर इसे मशीन से सिलाई दे दीजिए इस तरह से। इसे यहां तक अटैच कर लेते हैं पहले और फिर उसके बाद चोली को अटैच कर लेते हैं इसमें इस तरह से। फिर हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसमें चोली अटैच कर ली है। अब हम इसमें लैस लगाएंगे इस तरह से। चोली में हमने पहले ही लैस लगा दी है। अब इसके चारों तरफ हम इस तरह से फैब्रिक ग्लू से लैस को अटैच कर देंगे। यहां लगाएंगे हम लैस और यहां पर हम लैस लगाएंगे और बीच में यहां हम स्टोन्स लगाएंगे। हम पहले ही तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इस पर स्टोन की लैस लगा दी है और साइडों में फ्रिल्स पर मोती लगा दिए हैं। अब कितना सुंदर अच्छा लुक आ रहा है इस ड्रेस का। आप भी इसे बनाइए और अपने लड्डू गोपाल को पहनाइए।